हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपना शहर अलवर, और हम अपने शहर अलवर से अब जाएंगे सीधा दिल्ली, जहाँ पे फोटो फेयर लगा हुआ है। हम आपको दिखा पाएंगे फोटो फेयर का कुछ अच्छा सा व्यू, और अब हम चलते हैं सीधा दिल्ली की ओर। ये जो आप देख पा रहे हो, ये है दिल्ली का एयरपोर्ट। अब हम आपको दिखाएंगे जो दिल्ली के अंदर अच्छी बस्ती है वो आपको दिखा पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे लहराता हुआ तिरंगा झंडा, जो कि हमारी शान है। देखिए, ये है हमारा लहराता हुआ तिरंगा। जय हिंद, जय भारत। अब हम पहुँचने वाले हैं जो हमारा रेलवे स्टेशन है दिल्ली का, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। यह है पुरानी दिल्ली का स्टेशन। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, और यहाँ पर आ गई है लिफ्ट। अब हम लिफ्ट पर चढ़ के थोड़ा ऊपर जाएंगे, और हम आपको दिखा पाएंगे ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमारे साथ गए थे, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे दोस्तों को। और ये हम जाएंगे स्टेशन से बाहर, यहाँ पे हम देख पाएंगे तिरंगा झंडा बहुत अच्छे तरीके से लहरा रहा है। जय हिंद, जय भारत। अब हम जाएंगे मेट्रो के अंदर। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी आपको थोड़ी दिखाते हैं कितनी टाइट है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चेकिंग चल रही है। और ये है मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे मिलते हैं टोकन, जो कि एंट्री करते हैं मेट्रो में तब काम आते हैं। ये हमारी मेट्रो आ चुकी है, और हम एंट्री करेंगे मेट्रो के अंदर। जैसे कि हमने एंट्री कर ली है हमने मेट्रो के अंदर, गेट बंद हो गए हैं। ये है हमारे साथ प्रेम भाई, ये इनके कुछ दोस्त हैं अलवर से जो भी हमारे साथ गए थे। और हम आपको दिखाते हैं हर रविवार डेंगू परिवार, ये हम आ चुके हैं हमारे फोटो फेयर के अंदर। हम आपको दिखाते हैं कुछ अंदर का व्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। काफ़ी मात्रा में लोग आए थे यहाँ पे कुछ खरीदने, कुछ नया करने, कुछ नया देखने। हम चलते हैं अंदर, हम जाएंगे सीधा गिम्बल देखने। ये है गिम्बल, जो कि सिनेमेटोग्राफी और प्री वेडिंग में अच्छा काम आता है। अब हम इसके बाद जाएंगे मॉडल कल, जो कि आपको दिखाएगी कुछ वीडियो शूट के बारे में। अब हमको थोड़ा चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये जो समझा पाएगा वो हम नहीं समझा पाएंगे आपको। पीछे से लगना रहेगा, ये बहुत फास्ट मूव करने वाला हूँ इसको। मैंने इसको स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग यहाँ पे, स्टार्ट की रिकॉर्डिंग यहाँ पे, और इसको मैंने मूवमेंट दे दी। आपका क्लाइंट जो है वो किसी भी तरह के एक्शंस लेगा, तो दोनों तरह के मूवमेंट चलता रहेगा, घूमता रहेगा। देखो मुझे कुछ नहीं करना है, ये घूमता रहेगा, जितने शॉर्ट्स आप चाहो उतने घुमा सकते हो। अब मैंने रोकना है तो इसको मैंने रोक दिया। परफेक्ट, स्टॉप। अभी आपकी वीडियो भी शूट करने वाला हूँ, अभी आपकी वीडियोस भी शूट करने वाला हूँ, जिसमें आपके खुद की वीडियोस ऐसी बनेंगी जो डिफरेंट पोज करते हुए, एक्ट करते हुए। और आपको वो वीडियोस सारी की सारी कैसे मिलेंगी मैं बताऊंगा इंस्टेंट। आप चाहोगे कि आपकी वीडियोस आपको मिल जाएगी, तो 6 बजे एक दिन खत्म हो गया, हमारी टीम सारी की सारी वीडियोज अपलोड करने में लग जाएगी, और आप अपनी वीडियो चूज करके डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, वीडियो स्पिनिंग, या फिर ये QR कोड स्कैन कर लीजिए। गौरव, चलिए अब मैं ये देखिए फोटो वगैरह शूट करने के लिए इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। ये आपको सामने दिख रही है मॉडल, अभी जो नीचे है ये है लेंस, जो कि अपने कैमरे पे लगा के चेक कर सकते हैं मॉडल के ऊपर कि कैसे यूज कर पा रहे हैं हम इनको, इनका कैसा लुक है, कैसी वीडियो की बनती है, नहीं बन पाती है। यह है इमरजेंसी लाइट, ये जो आप देख पा रहे हो ये है मशीन, प्रिंटिंग मशीन, जो कि बहुत ही शानदार है। और हम करते हैं अपनी दूसरी ओर, ये जो आप देख पा रहे एलम है, Thank you.
वीडियो मिक्सिंग के बारे में अच्छे से बता पा रहे हैं। हम अपना साउंड थोड़ा बंद करेंगे तभी आप सुन पाओगे। ये लेंथ आ गया, ये देखिए कुछ से वो भी डिजाइनिंग, अभी हम आपको कुछ पूरा व्यू दिखा पा रहे हैं। हम डिजाइनिंग आ गई, सीट आ गई कुछ अलग तरह की। ये है गेमिंग पीसी, और भी काफ़ी यूज कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें इसको। हम आपको दिखाने वाले हैं इसकी प्राइस, देखिए ध्यान से देखना इसकी प्राइस, आपके होश उड़ सकते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए। देख पा रहे हो प्राइस, इसकी प्राइस है देखिए, आप देख पा रहे हो 2,25,000 का है ये पीसी। और ये आगे फिर से फ्रेम, प्री वेडिंग के यूज़ के लिए बहुत ही अच्छे फ्रेम है ये, अपने स्टूडियो में यूज कर सकते हैं इन फ्रेमों को, आपके क्लाइंट को खुश करने के लिए सबसे अच्छा है ये सिस्टम। देखिए कितने स्टाइल की है प्रिंटिंग मशीन, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस मशीन की। लेकिन हम आपको है नहीं काम का, यह है स्टूडियो सेटअप, इसमें कई प्रकार की स्टैंड सेटअप मिलता है। ये हम आगे फिर से मिक्सिंग के सिस्टम पे जो कि हमें दिखा पा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे थोड़ा बार का व्यू। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, करीबन 50,000 से ऊपर के लोग यहाँ पे आए थे, ये फेयर लगा था 3 दिन के लिए। और हम चलेंगे यहाँ से सीधा चांदनी चौक, हम आपको बताते हैं चांदनी चौक से करीबन करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था 24 सितंबर 2021 को, जिस दिन हम गए थे। देखिए करोड़ों रुपए से भी ऊपर हुआ था यहाँ पर ट्रांजेक्शन। हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को प्रेम एंड रिकॉर्डर्स की ओर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। अब मेरा जो लास्ट में टॉपिक था वीडियो के लास्ट में, वो ये था कि अगर अब की साल 2021 में अगर लॉकडाउन लग जाए तो फोटोग्राफरों के साथ क्या होगा। जी हाँ, ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक पे वीडियो अभी तक किसी ने बनाई नहीं, मैंने बनाई है। हालांकि मैं इतना कोई बड़ा फोटोग्राफर नहीं हूँ, बाकी जो मेरा थोड़ा तजुर्बा बोलता है, जिसे हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, मैं उसके माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन के चलते हमारी आर्थिक स्थिति जो थी वो ख़राब हो गई थी, प्रोग्राम नहीं कर पाए थे पिछली बार। तो अगर अब की बार लॉकडाउन लग जाए तो हमारी स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है, हो सके कि हमें काम चेंज करना पड़ जाए। क्योंकि अब भी हम दिल्ली गए थे फोटो फेयर के अंदर, मैंने आपको दिखाया था वीडियो, उसके अंदर आपने काफ़ी सामान खरीदा था, करीबन 10,000 रुपये का सामान मैंने खुद ने भी खरीदा था। स्टैंड लेके आए थे मैं कुछ कैमरे के, हमारे साथी जो थे उन्होंने भी कुछ ने स्टैंड, किसी ने गिम्बल, किसी ने क्या लिया था, मतलब 70-80,000 के करीब हमने 4 लोगों ने शॉपिंग की थी दिल्ली के अंदर। अगर आप अंदाज़ लगा सकते हो अगर अब भी लॉकडाउन लग जाए तो क्या होगा। और भी फोटोग्राफर थे जिन्होंने लाखों रुपये के कैमरे खरीदे हैं नए, अगर अब की साल लॉकडाउन लग जाए तो उनके साथ ही बहुत गलत होगा। हम ये चाहते हैं कि अब की बार लॉकडाउन ना लगे और सभी का काम अच्छे से चले। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।